आशा सभी की, घर को तो खुशियों से रोशन करेगी। ओ खुशी मेरी सोने परी, तुझ में है दुनिया की सारी खुशी, तुझ में है दुनिया की सारी खुशी। यारो अभी थोड़ी देर और रुक जाते हैं, पुलिस में नहीं जाते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि हमने जो मंदिर के बाहर नोटिस लगाया है उसे देखकर खुशी के मम्मी डैडी जरूर खुशी को लेने आ जाएंगे। अरे सुनिए 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 सुनिए, जल्दी से बाहर चलिए। क्यों क्या हो गया? अरे अटैक हो गया है। हां हां पोपट भाई पे अटैक हो गया। अरे पोपट लाल का कौन है? वो लड़की का बाप तो नहीं है? क्या हुआ? अरे 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 ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे 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 रुक जाइए, घर में लक्ष्मी आई है। अरे रुका भाई, मेरे घर में कोई लक्ष्मी नहीं आई यार, दो महीने से तनख्वाह नहीं मिली मुझे। अरे क्या बात है पोपटलाल, ये सब क्या हो रहा है? अरे मुझे क्या पता, मैं भी मेहता साहब के घर ही आ रहा था, पता नहीं ये लोग कहाँ से आ गए और मुझे ऐसे घेर लिया। अय्यर भाई इनको बच्चे के बारे में कैसे पता चला? मेरे को क्या मालूम, मैंने थोड़ी बोला। अरे भाई मैं ऐसा थोड़ी कह रहा हूँ, मैं खाली आपसे पूछ रहा हूँ अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी हो तो। नहीं मेरे को नहीं मालूम। जेठालाल इनका नेटवर्क बहुत जबरदस्त होता है। हाँ समझे राजा, कहीं भी अच्छी न्यूज हो ना इनको पहले पता चल जाती है। हाँ ए सेठ जी, बच्चे को बाप को बोलो ना हमको पैसा दे। ये कंजूस पैसा नहीं दे रहा। मैं बच्चे का बाप नहीं हूँ। क्या पोपटलाल, पैसा देना ना पड़े इसलिए झूठ बोल रहे हो? अरे बच्चे का बाप यही है क्यों भाइयों? अरे 5,000 निकाल, निकालो 5,000, बोलो बहना। अरे क्या 5,000 निकालो, मैं बच्चे का बाप नहीं हूँ, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। आय हाय क्या, शादी भी नहीं और बच्चा, तब तो 5,000 पेनल्टी और 5,000 बख्शीश, पूरे 10,000 रूंगी मैं। 10,000 निकालो, 10,000 निकालो, 10,000। आय हाय जग जग जी है तेरा लाल, जो ना रे गॉड है, जो ना रे गॉड है। भाई पोपटलाल पैसे दे दो, इस शोर शराबे की वजह से बात खुशी को डिस्टर्ब हो रहा है। पैसे दोगे तो सब चले जाएंगे, दे दो दे दो। 10,000। रुका रुका भाई रुका, रुका बंद करो इसका भाई, क्या है ये? दब 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 दब, एक मिनट देता हूँ, रुको। लाओ लाओ जल्दी लाओ। अरे देता हूँ धीरे, ये लो। ए ये क्या है? तो मेरे पास इतने ही है, 210 रुपए। अरे बहन ये फटीचर चिल्लर दे रहा है, हम ना लेंगे पैसे, हम तो 10,000 से कम ना लेंगे। रख इसको, पैसे और ला और, 10,000 रुपए लेंगे हम। हाय 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 हाय, चला तेरा बाप, चला तेरा बाप, तेरा राज कौन है जो तेरे कौन है? रुकिए रुकिए, पैसे देती। अरे दया वो पोपट भाई, खुशी हमारे घर पर आई है तो हम ही पैसे देंगे ना, इनके आशीर्वाद तो बहुत शुभ होते हैं। ये लीजिए। अब मैं क्या आशीर्वाद दूं बिटिया, तुझे ऊपर वाले ने ये चांद सी बिटिया देकर खुद ही आशीर्वाद दे दिया है। बेटी कोई बेटा से कम नहीं है, ऐसे मत समझो, उनमें कोई दम नहीं है। बेटिया भरपूर प्यार करेगी, जहाँ पे जाएगी तुम्हारा नाम रोशन करेगी और बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा भी करेगी। बिटिया ये बच्ची बहुत नसीबों वाली है, ये आपके जीवन में खुशियाँ भर देगी, तुम्हारे घर में पैसे ही पैसे बरसेंगे। पर हाँ एक बात का ध्यान रखना, इस बच्ची को कभी अपने से अलग मत करना, ठीक है? हमारी खुशी का आशीर्वाद दीजिए।
हाय हाय जुग जुग जियो ये बच्ची, भगवान खूब फूले फलाए, इसको खुश रखे। आओ बहनों तुम भी आशीर्वाद दे दो बच्ची को। भगवान फले फूले रखे, अच्छा से रखे भगवान, न जन्ना ही रखे मेरा बच्चा का। जुग जुग लल्ला हाय, तुझे मेरे भी उम्र लगे चांसी परी तू बेटा। मालिक राज्य खुशी रखे, जुग जुग जिए तू, सही सलामत रहे। माता सरस्वती तुझे अच्छी बुद्धि दे, तेरा घर परिवार खुश रहे, हर बला तेरे सर की दूर हो मालिक। हाय हाय चलो बहनो, जुग जुग जिए। ए राजा, अरे सुनना, मैं तेरी शादी में जल्दी वापिस आऊंगी और खूब पैसे लेके जाऊंगी। अरे भाई पोपटलाल गुस्सा थूक दो और जरा हकारात्मक सोचो। देखो किन्नरों ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है तो अब देखना तुम्हारी शादी जरूर होगी। सही बात है, बिल्कुल होगी। पोपट भाई इनके आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। दया भाभी सिर्फ आप कह रही है इसलिए मान लेता हूँ। ठीक है भाई पोपट, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ। भिड़े भाई बाहर बहुत लोग खड़े हैं, आपके बारे में पूछ रहे हैं। मेरे बारे में क्यों? सब लोग कह रहे हैं कि उनकी कोई कीमती चीज खो गई है जो आपके पास है। क्या भाई? नहीं आई शपथ मनाना भाई थी, मेरे पास क्या है अब्दुल? वो जेठा भ्रा, कल मंदिर पे हम लोग पीड़ू के नाम का नोटिस लगा के आए थे, उसको पढ़ के तो सब लोग नहीं आ गए क्या? नोटिस पे मेरा नाम लिखा है क्यों? ओ कमाल करता है पीड़ू, अपनी सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी कौन है? तू तो तेरा नाम लिखेंगे ना यार। फिर तो तुम्हारा ही नाम होगा बराबर। लेकिन ऐसा क्या लिखा है जो इतने सारे लोग आ गए? क्या लिखा भाई सोड़ी? उसमें लिखा है आपकी अमूल्य चीज खो गई है, वो हमारे पास है और आप इसे वापस चाहते हैं तो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली से आके ले जाओ। और इसमें हो सकता है कि खुशी के माँ बाप ने भी ये बात पढ़ी हो और वो उसको लेने के लिए यहाँ पे आए हो। यही बात है। वैसे अब्दुल कितने लोग आए हैं बाहर? बहुत लोग है, इतने लोग है कि मुझे सोसाइटी का गेट बंद करना पड़ा। फिर अब्दुल एक काम कर, सबको एक लाइन में खड़ा कर और एक एक करके अंदर भेज। और हाँ जिसको भी अंदर भेजे ना जरा देख परख के भेजना। हा? हाँ बड़े भाई मैं कर दूँ। दया भाभी आप खुशी को लेके अंदर जाइए। हाँ। नहीं नहीं दया तो यहीं रुक, ये लोग जो है उसमें से क्या पता शायद खुशी के मम्मी पापा। ठीक है अगर आप लोगों की इच्छा तो आप लोग रुकिए, कोई दिक्कत नहीं, रुकिए। टप्पू पापा मुझे इसकी बहुत चिंता हो रही है, हम खुशी को अपने पास अपनी बेटी की तरह नहीं रख सकते। दया मैं तेरी भावना समझ सकता हूँ, खुशी हमारी बेटी नहीं है फिर भी एक ही रात में तुझे इससे कितना लगाव हो गया है, तो जरा सोच खुशी की जो असली माँ है उसकी खुशी के बगैर क्या हालत होगी। अरे इतने सारे लोगों का कीमती चीज एक साथ मंदिर के पास से खो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे इतने सारे लोग एक साथ कैसे आए? बस जाहिर सी बात है इसमें से कोई एक ही सच्चा होगा, बाकी तो सबके सब थक गए। सही बात है। अब्दुल भेज भाई। हाँ हाँ। एक मिनट, एक एक करके भेज, एक एक करके। हाँ भेजता हूँ, सबको भेजता हूँ, सबको भेजता हूँ, सबको भेजता हूँ, भेजता हूँ। दया तू एक काम कर, तू खुशी को लेकर यहाँ मत खड़ी रहे, थोड़ी दूर खड़ी रहे ताकि किसी को पता न चले कि ये वो अमूल्य चीज है। उनकी अंजलि बाबी के प्लीज लाइन में आइए। अब्दुल एक एक करके भेज। हाँ हाँ जाइए जाइए।
आपको मौका मिलेगा। आओ जी, वेलकम टू गोकुलधाम सोसाइटी। आपका क्या खोया है जी? जी वो मंदिर में मेरा मोबाइल कहीं गिर गया था, फिर मिला ही नहीं। कौन सी कंपनी का था मोबाइल आपका? वो आपको कौन सा मिला है? हमें मिनीमैक्स कंपनी का मिला है। हाँ वही वही है मेरा मोबाइल। अरे नहीं 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 भिड़े, क्या बात कर रहे हो, मिनीमैक्स नहीं था भाई, टॉप स्टार का मोबाइल है। हाँ हाँ याद आया, मेरा मोबाइल टॉप स्टार का ही है। हड़ा हड़ झूठ बोल रहे हैं ये तो। अरे जेठापा टेस्ट ड्राइव तो इसकी लेनी पड़ेगी। ओ भाई साहब, आपका कौन से रंग का मोबाइल खोया जी? ब्लैक ब्लैक ब्लैक। व्हाइट नहीं था? व्हाइट व्हाइट व्हाइट। अयर भाई ब्लैक एंड व्हाइट क्या पूछ रहे हैं, हम लोग को तो लाल मिला है ना। जी याद आया मैंने उसका बॉडी चेंज करवाया था, लाल कलर का ही है। ओए लाल तो अब तेरा मुंह होगा बेटा, जब ये 2.5 किलो का हाथ रोशन सिंह सोडी का तनु पड़ेगा। हम सबको झूठ बोलता है तनु, ते मैं छटा खानी। मेरा कोई मोबाइल नहीं खोया। सॉरी सॉरी गलती हो गई, सॉरी गलती हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे अरे गुस्सा क्या नहीं करते यार, क्या होगा हमारे देश का, झूठ बोलते हैं सब लोग यार। कितना बड़ा फ्रॉड था ये। अब्दुल अगले को भेज भाई। हाय जी वेलकम जी, आपका क्या खो गया जी? मंदिर के पास मेरी सोने की अंगूठी गिर गई थी, अगर आपको मिली तो प्लीज दे दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, सोने की अंगूठी भाई साहब, वही तो नहीं जिसके अंदर 4 कैरेट का हीरा लगा हुआ था? हाँ वही 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 अंगूठी ना जिसमें हीरे का रंग नीला है। हाँ वही वही बिल्कुल बराबर वही। अरे भाई पोपटलाल हमें कहाँ हीरे वाली अंगूठी मिली है, हमें तो सिर्फ सोने की अंगूठी मिली है। हाँ सोने की अंगूठी भी चलेगी। चलेगी सोने की अंगूठी भी चलेगी, लेकिन बेटा अब तू अपनी दोनों टांगों पर नहीं चल पाएगा। सॉरी सॉरी गलती होगी गलती होगी। सबका मौका सबको मौका मिलेगा। ये भी फ्रॉड निकला, झूठ बोल के दूसरों की चीज लेने आते हैं। ये दूसरा आदमी भी झूठा निकला, अब क्या करें? क्या करें क्या यार भाई, सबसे मिलना तो पड़ेगा ही ना। हाँ करेक्ट है। अब्दुल नेक्स्ट नेक्स्ट। ये भी फ्रॉड निकला, झूठ बोल के दूसरों की चीज लेने आते हैं। ये दूसरा आदमी भी झूठा निकला, अब क्या करें? क्या करें क्या यार भाई, सबसे मिलना तो पड़ेगा ही ना। हाँ करेक्ट है। अब्दुल नेक्स्ट नेक्स्ट। आई आई आई। हाँ जी आपका क्या खो गया? भाई साहब मेरा कुछ ऐसा खो गया है जो मुझसे आज तक कभी अलग ही नहीं हुआ, अगर वो मुझे नहीं मिला तो अपनी पत्नी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। लता साहब लगता है हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो मिल गया। मुझे भी यही लग रहा है जेठालाल। हाँ भाई साहब आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। हाँ तो भाई साहब बताइए क्या खोया है आपका? बटुआ। बिटुआ? जेठा भाई अरे बटुआ बोल रहे हाथी भाई, बटुआ। बटुआ खोया है बक बक। भाई साहब वो मेरी बीवी ने हमारी शादी की सालगिरह पर मुझे गिफ्ट दिया था और मेरे लिए सबसे अमूल्य चीज है। कितने पैसे थे तुम्हारे बटुए में? भाई साहब पूरे 57 रुपए 60 पैसे। ये कहीं पोपटलाल का रिश्तेदार तो नहीं है? कैसे? पर्स में सिर्फ 57 रुपए थे और बता रहे सबसे अमूल्य चीज है मेरी। जेठालाल ये मजाक का वक्त है, सब सुना मैंने। भाई साहब आप जाइए, हमें कोई बटवा वटवा नहीं मिला, जाइए आप। हमारा नोट पढ़ के इतने सारे फ्रॉड लोग आएंगे हमें पता नहीं था। आई होप कोई सच्चा हो जो खुशी को लेने आया हो। हाँ। खुदा जी से यही दुआ है कि खुशी के असली माँ बाप उसे मिल जाए। रसिन भाभी मेरा मन कहता है कि इनमें से कोई तो है जो खुशी के लिए आया होगा। खुशी देखकर चिंता करने की कोई बात नहीं है। हाँ आपको लेने के लिए आपके मम्मी पापा जरूर आएंगे। ओ दिक्का क्यों चिल्ला रहे हो? अरे बताइए भाई साहब आपका क्या कीमती खो गया मंदिर में? जी वो मंदिर के बाहर से मेरे जूते चोरी हो गए। कमाल है यार, तू जूते लेने के लिए इतनी दूर आया, वो इससे बढ़िया तो नए जूते ले लेता यार। सही बात है।
अरे भाई वो मेरे लकी जूते थे, चार लड़कियों ने मुझे शादी के लिए रिजेक्ट कर दिया था, जिस दिन वो जूते पहन के गया मेरी शादी फिक्स हो गई। कहाँ से खरीदे थे जूते? हाँ बाबड़लाल, जाइए भाई साहब, हमको कोई जूता नहीं मिला है, सॉरी। जी आपका क्या खो गया है? मेरे सबसे कीमती चीज मेरा सांप। सांप? बाप? अरे बाप नहीं आते भाई, सांप। सांप? पता नहीं क्या हो गया है मुझे। उसे अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए। चुप रुक। सांप? आपका सांप खो गया? ये देखिए, इसे में रखता था। ये देखिए। अरे डरिए मत, ये नकली सांप है। लो बोल, सांप भी झूठा निकला। लेकिन तुम ये नकली सांप लेके क्यों घूम रहे हो? मेरे दादाजी कहकर गए कि टोकरी खाली मत रखना, वो अपशगुन होता है, इसलिए नकली सांप रखा है। खुशी? नहीं भाई, हमको कोई सांप नहीं मिला है, और अगर मिलता भी तो हम उससे पकड़ के यहाँ थोड़ी लेके आते हैं, हम थोड़ी आपकी तरह सपे रहे हैं। ओ भाई साहब, आप मंदिर के पास जाके देखो, आपका सांप आपको जरूर मिल जाएगा। ओ ठीक है ठीक है। कितने सारे लोग आ गए भाई, हिंदुस्तान का भी पूछिए मत। मंदिर पे एक कागज लगाया कि आपकी कोई अमूल्य चीज खोई है, अगर अमूल्य चीज खो गई हो तो लेके जाइए। और कौन कौन आ पहुंचा? सपेरा तक आ पहुंचा। और कितने सारे झूठे लोग कि भाई तुक्का लग गया तो मिल जाएगी अमूल्य चीज। लेकिन दोस्तों, ईश्वर भी सबको एक संदेश हमेशा देता है, अमूल्य चीज ऐसे ही नहीं मिलती, परिश्रम करना पड़ता। अब देखिए ना, लोग क्या क्या लेने के लिए आ गए। लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है कि इतने सारे लोगों में खुशी के माँ बाप नहीं है, खुशी के लिए पूछने कोई नहीं आया, लेकिन इस भीड़ में एक संदिग्ध महिला जरूर है। आखिर कौन है ये औरत और इसकी निगाह खुशी पे क्यों लगी हुई है? रहस्य बहुत बड़ा है और रहस्य गहराता भी जा रहा है, ये रहस्य और बढ़ भी सकता है। हंसी मस्ती और ठहाकों के साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। अरे ये क्या हो गया? सबको बाहर निकालो, बाहर निकालो, चलो चलो चलो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, चलो चलो चलो, बाहर चलो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, चलिए चलिए चलो, गेट बंद करो, गेट बंद करो, बंद करो, क्या हुआ क्या? लेकिन अरे अरे वो बैंक कहाँ गए? हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना, तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।